ठीक है. प्रैक्टिकल वर्क हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट होता है. फील्ड वर्क इन ज्योग्राफी, फील्ड वर्क क्या है, व्हाट इज़ फील्ड वर्क. ज्योग्राफी अब जैसे एक सब्जेक्ट है जिसमें वो आपसे फील्ड वर्क मांगता है. एज अ सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजिकल इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी शुड हैव. लेकिन ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना. जब आप एक सब्जेक्ट पर जाते हैं तो उसको जब तक आप प्रैक्टिकली उसको इन्हांस नहीं करेंगे आप उसको नहीं सीख सकते. येस इन मैनी इंस्टांसिस द सब्जेक्ट इवोक्स रिटर्न इंटरेस्ट एंड हैव ईजी टू जस्टिफाई प्लेस इन द करिकुलम. इट इज़ रिगार्डेबल बट ट्रू डैट इन मैनी ऑफ आवर स्कूल ज्योग्राफी स्टिल लार्जली टॉट एज अ कंपेंडम ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड. ठीक है. ऑल द मोर इनलाइटेंड अप्रोचेज आर अवेलेबल, मैनी टीचर्स स्टिल क्लिंग टू ट्रेडिशनल मैथड. बाजू का देखें, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे आपके प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा इन्हांस करना चाहता है. आपको ये चाहता है कि आपका काम ज़्यादातर प्रैक्टिकली बेस्ड हो, आप उस चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखें. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैप रीडिंग है. मैप रीडिंग के बारे में जब आप लोग पढ़ते हैं तो मैप रीडिंग के बारे में आप लोगों को सबसे पहले उस चीज़ के बारे में एक एबिलिटी पता होनी चाहिए कि आप उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, किस तरह उसको बनाएंगे, मैप की लोकेशन किधर किधर मौजूद है. ठीक है. और उसके सारे बारे में आपको इल्म होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट डिटेल आपको इल्म होनी चाहिए. ठीक है. तो देखें, तो कोई भी सब्जेक्ट जैसा चाहे जो भी सब्जेक्ट है वो उस वक्त तक आपके लिए इम्पोर्टेंट या आपके लिए एबिलिटी नहीं रखता जब तक आप उसको प्रैक्टिकली ना करें. मैं पहले भी ये बात आप लोगों को पहले भी लेक्चर्स में कहती आई हूँ कि जब तक आप एक काम को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे वो काम आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता. तो आप उसको ज़्यादातर प्रैक्टिकली इन्हांस करें ताकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एबिलिटीज़ या फील्ड वर्क हासिल कर सकें. तो ठीक है. तो बेहतर यही है कि ज्योग्राफी हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे आप ज़्यादातर आप हिस्ट्री पे जाते हैं. हिस्ट्री में आप लोग ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किन चीज़ों को हम ज़्यादा एबिलिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो चलें, ये था मेरा एक छोटा टॉपिक. मैं इंशाल्लाह अगले टॉपिक में आप लोगों को कोशिश करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वर्ड्स भी सिखा सकूँ ताकि आप लोग उन चीज़ों को प्रैक्टिकली कर सकें. तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ एक अनदर टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ पेश आऊँगी. उम्मीद है कि आपको मेरी लेक्चर से कुछ इंपॉर्टेंट या बेनिफिट्स मिलते होंगे. इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मुलाकात होगी. होप टू सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.